हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सचिन चोपड़े। ये नए वीडियो में आया हूँ आपको डीएम वाटर प्लांट कैसे क्या चार्ज करते हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। डीएम वाटर प्लांट में दो वेसल होते हैं, एक में होता है अनियन, एक में होता है कटियन। ये दो रेजिन है, दोनों रेजिन को चार्ज प्रॉपरली तरीके से नहीं किया जाएगा तो वो चार्ज बराबर आपको टीडीएस नहीं बताते हैं, तो ध्यान से उसको चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग का तरीका ध्यान से सुनिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, दो एटम लगते हैं, लेकिन कास्टिक सोडा भी क्वालिटी वाइज होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी कास्टिक सोडा होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा होना चाहिए, 1100 उसकी ग्रेविटी आती है, हाइड्रोमीटर से चेक होती है ग्रेविटी, हाइड्रोमीटर से चेक होती है ग्रेविटी 1150 के लगभग 1150 ग्रेविटी रहती है। हाइड्रोमीटर आपके पास नहीं होगा तो हाइड्रोमीटर मैं बता देता हूँ हाइड्रोमीटर क्या रहता है। तो हाइड्रोमीटर का यह है, क्या हाइड्रोमीटर है, इससे ग्रेविटी टेस्ट होता है। तो ये हाइड्रोमीटर है, ध्यान से ये करिए, इससे चेक कर सकते हैं। इस पे लिखा है ये 1150 1140, कैमरा पे दिखाई रंग दिया होगा आपको लिखा, तो ऐसी ग्रेविटी दिखाई देती है। तो ये ग्रेविटी पे 1150 वाला ही हाइड्रोक्लोरिक लगता है एसिड, और वो भी अच्छा क्वालिटी का चीज अच्छी रहेंगी, तभी जाके आपकी मशीन प्रॉपरली तरीके से चार्ज होंगी, प्रॉपरली टीडीएस देंगी और प्रॉपरली आपकी मशीन कैपेसिटी देंगी, ये ध्यान रखिए। तो आपको सबसे पहले वो चीज़ ध्यान से रखना है, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कास्टिक सोडा दोनों छोड़ देना है दोनों वेसल में। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो दे रहा हूँ वैसी प्लांट की, तो वो प्लांट में दो बकेट से वो ड्रेन कर देना है। ड्रेन मतलब उसमें जो बचा हुआ वाटर रहता है वो वाटर निकल जाता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक इसमें कास्टिक सोडा रह जाता है। वो 30 मिनट तक के रखना है, 30 मिनट के बाद उसका परमेंटेशन हो जाता है, उसके बाद में उसको बैकवॉश किया जाता है। बैकवॉश भी होता है, ध्यान से सुनना। डीएम वाटर, अच्छा क्वालिटी का डीएम वाटर, कम से कम 20 से 50 या 100 के अंदर में डीएम वाटर होना, तभी जाके वो चार्ज होता है 100 के अंदर में। तो डीएम वाटर दोनों इसमें, जैसे 500 लीटर का प्लांट है आपको तो 200 लीटर डीएम वाटर लगेगा, मतलब एक इसमें 100 एक इसमें 100, तो ऐसी 200 लीटर डीएम वाटर लगेगा। उसमें 30 मिनट के बाद दोनों को भी बैकवॉश कर देना है, उसमें से एसिड निकाल देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि दोनों को ही पहले टीडीएस चेक कर लेना है दोनों वेसल के, और फिर उसके बाद में अटैच करना है क्रॉस में अटैच होता है, फिर जाके आपका डीएम प्लांट कुछ चार्ज होता है 100%, और वो भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। प्रॉपर मटेरियल देना चाहिए उसमें, मटेरियल प्रॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, ये दो एटम अच्छा क्वालिटी का होना, तभी जाके ये होता है। आपको चाहिए होगा मटेरियल तो हम प्रोवाइड कर देंगे, आपके यहाँ भेज देंगे। इंडस्ट्री आपकी जो भी इंडस्ट्री का नाम है या कंपनी का नाम है या जो भी आपके शॉप का नाम है तो भेज देंगे। तो आप ध्यान से देखना, और प्लीज़ वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों में ये करना। चलो फिर से नए ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ आते हैं, और आपको डीएम प्लांट लगेंगे तो हमें